हाय गाइस, इट्स मी नसर खान जान। और आज जो कि एक बार फिर मैं वाटरमेलन की वीडियो बना रहा हूँ, और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वाटरमेलन का, तो वो बिल्कुल वाइट निकल गई थी और उसमें टेस्ट भी नहीं था। तो इस बार मुझे कुछ फ्रेंड्स ने मशवरा दिया है कि आप जब वाटरमेलन काटते हो तो उससे पहले जो है आपको दो बिस्मिल्लाह करना चाहिए और दो सूरतें उस पर जो है वो फूकना चाहिए, तो इससे जो है उसका जायका अच्छा होगा और वो बिल्कुल रेड होगा। तो चलो मैं भी अब ये आजमाता हूँ कि ये किस तरह निकलता है ना। और इसके साथ फिर दो सूरत हम इस पे जो है फूकने वाले हैं। ये दो सूरत मैंने आप फूक लिया और आप देखते हैं। और इस बार ये मेरा नसीब नहीं है, ये आप फैंस का नसीब है। अगर ये भी वाइट निकला ना तो मैं ये चूरी नहीं है, इससे मैं कुछ करने वाला हूँ। फिर अब देखते हैं ना, अब ये मैं अब काटने वाला हूँ, पता नहीं इस बार किस तरह होगा। अगर ये वाइट निकल गया तो इसका मतलब है कि फिर आप लोगों का नसीब खराब है। आप फैंस जो है ना, आप फैंस के नसीब पे मैं काटने वाला हूँ। अब जो कि वाओ, ये तो बिल्कुल रेड निकल गया, बिल्कुल रेड। आप लोग देख सकते हैं रेड कलर की जो वाटरमेलन है। अब मैं इसको जो है एंजॉय करने वाला हूँ और काटने वाला भी हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये रेड है, बिल्कुल रेड। अभी आप लोग इसको ऐसे ही काटेंगे जो कि मैं जिस तरीके से काट रहा हूँ। तो काटने का तरीका भी बिल्कुल इजी है ना, आप लोगों को किसी भी तकलीफ की जरूरत नहीं होगी। बस इस तरह इसमें ऐसे ही शेप से जो है ना आप लोग काटेंगे। और तो मैं थोड़ा नीचे का, ये देखें, बस इसी तरीके से काट लीजिए आप लोग भी और एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप लोग वाटरमेलन खाएंगे तो आप लोगों को प्यास बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बस ये देखे मैंने काट लिया, एक एक कांटे पिलाएंगे कि जिस बंदे का मुंह बड़ा है तो प्लीज उसके लिए बड़े शेप काटिए और जिसका मुंह छोटा है तो उसके लिए छोटे छोटे शेप। लेकिन आई थिंक जो बड़े मुंह वाले हैं तो इसके लिए इतना पीस भी काफी है। टेक केयर।